यूपी में इस समय चुनाव की वजह से सियासी माहौल बिल्कुल ही बदला हुआ नजर आ रहा है। मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर चुनाव का ऐलान होते ही सियासी पारा एकदम से हाई हो गया है। घोसी विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने अपना खाका तैयार कर लिया है, खासकर जब से प्रत्याशी के नामों का ऐलान हुआ है, जब घोसी की जनता ही यहाँ के प्रतिनिधि की किस्मत का फैसला करेगी। सीट वही है, जगह वही है, पार्टी बदली हुई है दारा सिंह चौहान के लिए। दरअसल बीते दिनों घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी थी, तो वहीं आज मुख्य धारा वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने दारा सिंह चौहान को घोसी से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बता दें ये दोनों के नाम ऐसे हैं जिनकी चर्चा उपचुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही होना शुरू हो गई है। अंदाजों पहले ही लगाया जा चुका था कि समाजवादी पार्टी सुधाकर सिंह को ही अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान के दांव लगाएगी। घोसी विधानसभा सीट से बीजेपी और सपा दोनों ही प्रत्याशियों ने अपने अपने खिलाड़ियों के चेहरों पर दांव लगाते हुए चुनावी जंग का ऐलान कर दिया है। बता दें कि घोसी विधानसभा सीट पर 5 सितम्बर को वोटिंग होगी, उपचुनाव की 8 सितम्बर को काउंटिंग होगी। जानकारी के लिए ये भी बता दें कि दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद घोसी सीट खाली हुई थी। अब मोटी मोटी बात कर लेते हैं घोसी सीट के सियासी और जातीय समीकरण की। घोसी सीट पिछले 2 बार से उपचुनाव का मुंह देखा रहा है। बता दें 2017 में चुनाव में बीजेपी के टिकट से फागू चौहान विधायक चुने गए, लेकिन 2 साल बाद ही उन्हें बिहार का राज्यपाल बना दिया गया और उपचुनाव हुए। ठीक वैसे ही 2022 में बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे दारा सिंह चौहान ने बीजेपी को झटका देते हुए साइकिल की सवारी करते हुए विधायक बन गए थे, लेकिन कुछ साल के अंदर ही उनका सपा से मन भर गया तो वो सपा को छोड़कर बीजेपी में चले गए। जो मंत्री थे वन विभाग को देख रहे थे, आज पुनः समाजवादी पार्टी में आप शामिल होने आदरणीय दारा सिंह चौहान जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको अभी का तो पता ही है कि फिर से घोसी सीट उपचुनाव की दहलीज पर आ गया है। अब जानते हैं थोड़ा सा घोसी सीट की जनता के बारे में। घोसी इलाके का जाति समीकरण भी काफी दिलचस्प रहा है। घोसी विधानसभा में पिछड़े, मुस्लिम और दलित समेत अन्य का जातिगत फैक्टर भी काफी प्रभावित ढंग से देख रहा है। जो नेता इन लोगों को लुभाने में कामयाबी हासिल कर लेता है तो मानो घोसी सीट उसी की हो जाती है, वही सीट का विजेता बन जाता है। इस लिहाज से भी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो पीजे का फॉर्मूला दिया है उसको भी आजमाने का वक्त आ गया है। बता दें कि 4,20,000 मतदाताओं वाली घोसी सीट पर मुस्लिम वोटर करीब 85,000 है, दलित 70,000, यादव 56,000, राजभर 52,000 और चौहान वोटर करीब 46,000 है। इस जाति समीकरण की वजह से सपा जीत की उम्मीद तो कर रही है, लेकिन दारा सिंह चौहान की पूर्वांचल में पिछड़ी जाति में अच्छी पकड़ है। अब एक तरफ बीजेपी के कद्दावर नेता दारा सिंह चौहान हैं, तो दूसरी तरफ सपा के बाहुबली माने जाने वाले नेता सुधाकर सिंह। अब उपचुनाव का ये मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होगा, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी और सपा में सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन घोसी की जनता का तो मेन मुद्दा है कि वो विकास का ही है। यहाँ की जनता का दिल जीतने में कौन कामयाब हो पाता है ये तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। डिजिटल डेस्क, भारत समाचार।